शिमला के उपनगर संजौली में अवैध तौर पर बनी मस्जिद का मामला लगातार सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। सुक्खू सरकार के दो मंत्रियों अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने इस मुद्दे पर गुरुवार को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जोरदार हमला बोला। दरअसल ओवैसी ने संजौली मस्जिद मुद्दे पर टिप्पणी की कि क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की, हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। एक्स पर असदुद्दीन ओवैसी ने अनिरुद्ध सिंह का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि वीडियो में हिमाचल का मंत्री भाजपा की जुबान में बोल रहा है। हिमाचल के संजौली में मस्जिद बनाई जा रही है, उसके निर्माण को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है और सिंधियों के एक झुंड ने मस्जिद को तोड़ने की मांग की है। संधियों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। भारत के नागरिक मुल्क में किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, उन्हें रोहिंग्या और बाहरी बुलाना देश का विरोध है। इस पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया। दोनों मंत्रियों ने कहा कि सब जानते हैं कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है और एक समुदाय विशेष पर उनकी राजनीति टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी के लिए मोहब्बत है, यहाँ नफरत के लिए कोई जगह नहीं, लिहाजा ओवैसी अपने राज्य में ध्यान दे। यहाँ बात वैध और अवैध की हो रही है, मंदिर या मस्जिद की नहीं हो रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुझे गर्व है कि हम भी हिंदू समाज से आते हैं, मैं खुद अयोध्या से प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर आया और हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण का कानून भी कांग्रेस सरकार ही लेकर आई है। मंगल राज्य से संतुलन बनाकर रखना जरूरी है, सभी लोग चाहे वो हिंदू हों, ईसाई हों, मुसलमान हों या बौद्ध हों, वो समाज में महत्वपूर्ण अंग है और उनको भी सरकार की तरफ से सब सुविधाएं मिले, इसके लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा, ये हमें संविधान में सिखाया गया है, विधानसभा के अंदर दिया है और वहां पे स्पष्ट तरीके से ये बात करी है कि सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ये केस निकल कर आया है एक मस्जिद का, उसमें ये मामला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत अधीन है, वहाँ पे इसकी हियरिंग हो रही है, बड़े लंबे समय से हो रही है। क्योंकि ये मामला सब जूडिस है तो उस पर मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं किया, मगर हमने ये कहा है कि हम जल्द इसको एक्सपेडाइट करवा कर जो भी फैसला म्यूनिसिपल कमिश्नर का आता है उसके तहत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ। ये बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश में देव संस्कृति है और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की पूर्व सरकार ने धर्मांतरण का कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया है। हमने सैकड़ों करोड़ों रुपए यहाँ पे मंदिरों के निर्माण के लिए, देवी देवताओं के मंदिरों के जो है पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश के अंदर दिए हैं और आने वाले समय में भी हम विकासात्मक कार्यों के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक कार्यों को भी आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल के अंदर देती रहेगी। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि संजौली क्षेत्र में मस्जिद अवैध है और 2010 से मामला AMC अदालत में लटका हुआ है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर वो सदन में भी बात कर चुके हैं और प्रदेश सरकार भी इसको लेकर गंभीर है। लोगों में इसको लेकर खासा आक्रोश भी है क्योंकि काफ़ी संख्या में शिमला के बाहरी राज्यों से लेकर आ रहे लोग जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, ऐसे में सुरक्षा को भी खतरा पैदा होता है और यहाँ चिंता मैंने सदन में भी जाहिर की। इस मुद्दे पर ओवैसी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं, क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूँ जो बांग्लादेश से आए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के लिए। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ओवैसी पर पलटवार किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी के लिए मोहब्बत है और नफरत के लिए कोई जगह नहीं। ओवैसी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बेतुके बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि संजौली मस्जिद मामले में सरकार कानून के दायरे में रहकर काम करेगी और नगर निगम की अदालत का जो भी निर्णय शनिवार को आयोग सरकार उस आधार पर कार्रवाई करेगी। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।